जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब मिलकर आज़ाद भारतवर्ष का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस दिन के लिए बहुत से वीरों ने बलिदान दिए। आज़ादी की संघर्षमय कहानी हम सबको मालूम है। आज हम सब मिलकर इन शहीदों को नमन करते हैं। कमांडो डिफेंस एकेडमी बीकानेर जिले में 465 आरडी पर स्थित है। डिफेंस एकेडमी ने जब से स्टार्ट हुई है 3 कंपटीशन का आयोजन करवाया है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े बच्चे और बच्चियों दोनों का अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया है। पाँच दिसंबर को शुरू ही कमांडो डिफेंस ने अपना बेहतरीन काम और कार्यशैली लोगों के सामने प्रस्तुत की है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट कमांडो डिफेंस एकेडमी ने दिया है। साथियों, बहुत ही कम समय में डिफेंस एकेडमी के अब तक 10 बच्चे रिटर्न एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, यानी कि 10 बच्चे मेडिकली और फिजिकली फिट हैं। साथियों, 5 बच्चे हमारे एकेडमी के फिजिकल फिट हैं, मेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही मेरे दोस्तों, राजस्थान पुलिस का रिजल्ट हमारा 100% रहा था, जिसमें 5 लड़कों ने एवं 1 लड़की ने डिफेंस एकेडमी में फिजिकल की तैयारी की और फिजिकल पास किया। साथियों, डिफेंस एकेडमी समय समय पर आने वाली भर्तियों के हिसाब से कंपटीशन का आयोजन करती रहती है। जैसे आज हमने 1600 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में फर्स्ट सतवीर सिंह आए हैं, जिनका समय 4:36 रहा। एकेडमी के कुछ बच्चे वायरल फीवर होने की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जो और भी श्रेष्ठ टाइम के साथ में दौड़ क्लियर करते। साथियों, सेना भर्ती में जिनमें सतवीर सिंह को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों बच्चों को इनाम दिया जा रहा है। सरपंच साहब दस्तगीर जी, हमारे प्रिय साथी भानु प्रताप सिंह, जो कि बच्चों को मोटिवेट करने पधारे हैं, श्रीमान मोहर सिंह जी बच्चों को सम्मानित करते हुए। दोस्तों, ये लड़कियों की 800 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन है। इसमें कमांडो डिफेंस में जो लड़कियां तैयारी कर रही है वह एवं
अपने क्षेत्र की अन्य काफी सारी बच्चियों ने इस दौड़ में दमखम दिखाया। दोस्तों, आने वाले समय में इन्हीं बच्चियों में से सुमन को कोई मीराबाई चानू बनेगी, राजस्थान हमारे भारत की बनेगी। बस इन्हें विक्रम सिंह प्रोत्साहित किया जाता है, आप सब इन्हें प्रोत्साहित करें ताकि ये और कंपटीशन में बढ़ चढ़कर भाग ले पाए। साथियों, अगला है फ्रंट रोल। फ्रंट रोल दौड़ने वाले बच्चे के लिए सबसे कमांडो सर है, फ्रंट रोल का डेमो दे रहे हैं, इस तरह नहीं करोगे तो फाउल माना जाएगा सर। जो अंत समय में जब चौथा राउंड लगाते हैं उस समय जो चक्कर आने की समस्या है वो नहीं रहती है, और फ्रंट रोल से अगर कॉमन व्यक्ति भी फ्रंट रोल लगाते हैं तो उनको गैस्ट्रोलॉजी की समस्या नहीं रहती है। अगर किसी को वेट लॉस करना हो तो उस व्यक्ति के लिए, उस इंसान के लिए फ्रंट रोल सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज मानी जाती है। ये कंपटीशन 200 मीटर फ्रंट रोल का रखा गया था जिसमें जेठाराम फर्स्ट रहे, दिनेश कुमार द्वितीय रहे और गुरजन सिंह इसमें तृतीय स्थान प्राप्त कर सके। साथियों, इतना आसान नहीं है इस एक्सरसाइज को करना, कमर छिल जाती है, सर में भी चोटें लगती है, लेकिन इन बच्चों की जिद और जुनून के आगे ये तकलीफें कुछ मायने नहीं रखती। बहुत ही मेहनती और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित एकेडमी के बच्चे मेहनत करते हुए यह जेठाराम पहली पोजीशन, दिनेश कुमार एवं गुरजन सिंह। बावर सिंह जी शेरपुरा बच्चों को सम्मानित करते हुए, बावर सिंह जी युवा समाज सेवी, इस क्षेत्र के एकेडमी को इनका काफी सहयोग रहता है। दोस्तों, हमारी छोरियां भी छोरों से कम सहती, लड़कियां भी फ्रंट रोल में लड़कों की तरह अपना दमखम दिखाते हुए और ये बात साबित करते हुए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। ये बच्चियां केवल और केवल हम सब से सपोर्ट मांग रही है, आप इनको गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करें, बस मेहनत ये खुद कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतनी हार्ड प्रैक्टिस करना आसान नहीं है, लेकिन ये बच्चियां मेहनत कर रही हैं। सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह एडवांस का कंपटीशन था, इसमें निकल एडवांस के लिए आपके हाथ और उंगलियां मजबूत होनी चाहिए। दोस्तों, निकल एडवांस हथेली पे ना होकर मुट्ठी बंद करके जंप किया जाता है, इससे व्यक्ति में शरीर में कठोरता आती है और बाजू मजबूत। बहुत शानदार शानदार। साथियों, निकल एडवांस
इतना आसान नहीं है। एडवांस 16 वर्ष से अधिक इसके लिए काफी मेहनत तो चाहिए होती है। अगर आप बिना प्रैक्टिस और कमजोर हाथों से इस एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी उंगलियों की चमड़ी मैदान में छूटेगी। 16 साल से छोटे बच्चों की एवं बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता, छोटे बच्चे एवं बच्चियों को इन दौड़ों से प्रोत्साहन मिलता है। आगे मेहनत करने के लिए कोई न कोई कार्ड मिलता है। और ये अगला है दोस्तों, फायर मैन युद्ध के दौरान अपने घायल सैनिक साथी को उठाकर युद्ध मैदान से बाहर कैसे लेके आए। इससे दोस्तों पेट और थाई भी मजबूत होती है, दो चीज़ें एक साथ में, दौड़ मजबूत होगी साथ में सेना की तैयारी पहले से करवाई जा रही है। इसमें दोस्तों एक साथी अपने घायल साथी को कंधे पर उठा के लेकर जाता है, दूसरा हाथ आपका फ्री रहता है, जिसके हाथ में बंदूक पकड़ी हुई होती है उससे आप दुश्मन पर फायर करते हुए एडवांस कर सकते हैं। 400 मीटर का एक राउंड एक साथी लगाता है, फिर उसको दौड़ने वाला साथी कंधे पे माउंट होता है और ऊपर वाला साथी दौड़कर 400 मीटर का ट्रैक कंप्लीट करता है। साथियों इस कंपटीशन में जोश और होश दोनों की सख्त आवश्यकता होती है। बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन रहा ये। योगेश और वीरेंद्र सिंह दोनों की टीम ने फर्स्ट स्थान हासिल किया। ये जोड़ी है, इन्होंने द्वितीय स्थान हासिल किया, नकुल और विजय। सामने देखियो ज्योति तृतीय स्थान, तीसरा स्थान पाने वाली जोड़ी को सुरेंद्र सिंह जी सम्मानित करते हुए की लड़कियां। सुरेंद्र सिंह जी नौखा क्षेत्र में काफी समाज सेवा का कार्य करते हैं, बहुत ही मेहनत कश इंसान है। चम्मच दौड़ प्रतियोगिता, अर्जुन सिंह छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप साथियों राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र मेहनत कश इंसान, जयप्रकाश मनरूप सिंह, पार सिंह शेखावत, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जिनको गुरुदेव गोपाल जी गोदारा द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे बेस्ट एंकर देवी सिंह, मनराज सिंह, संजय, हमारे साथी सैनिक साथी नाम नहीं बताऊंगा, दोस्तों सब बच्चों ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लिया एवं अपना बेहतरीन आउटपुट देने की कोशिश की।
तब से निवेदन है, प्रार्थना है कि बच्चों को सहयोग एवं सपोर्ट करें आगे वाले प्रोग्राम में। जय हिंद।